लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन की थी थोड़ा सा विंडोज़ फॉर्म के ऊपर, किस तरह हम लोग डिफरेंट कंट्रोल्स के ऊपर काम करते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। आज एक प्रोग्रामिंग का एक बैकबोन जिसको आप कह सकते हैं, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या होती है प्रोग्रामिंग के अंदर और उस एक्सेप्शन को हम लोग किस तरह डील करते हैं, उन एक्सेप्शंस की जो है प्रायोरिटी क्या होती है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सेप्शन खुद क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है। ये पहले पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सो एक्सेप्शन जो है एक इवेंट है जो आपके नॉर्मल फ्लो है, आपका जो प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। यानी फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम जो आपका प्रोग्राम है वो एक उसका एक फ्लो होता है बाकायदा कि वो एक लाइन बाय लाइन आपका पूरा कोड को क्या करता है, इंटरप्रेट करके कंपाइल कर देता है और आपको रन करके देता है। अगर उसके बीच में कोई एक्सेप्शन आ जाती है या वो कोई इवेंट आ जाता है जो उस नॉर्मल फ्लो को ख़राब कर देता है तो वो हमारा एक्सेप्शन कहलाता है कि वो क्या एक्सेप्शन आ गया। फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपने सारा काम कंप्लीट कर दिया लेकिन एक वैल्यू आपने ख़राब इंसर्ट कर दी तो उस ख़राब वैल्यू की वजह से क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फ्लो है वो ख़राब हो जाएगा। सही है, तो ये एक इवेंट है जो कि हमारे नॉर्मल फ्लो को ख़राब कर देता है। सेकेंड के इन जनरल व्हेन अ सी शार्प कोड encounters a situation that it cannot copes with, it raises an exception. So C sharp के अंदर क्या होता है कि for example कोई ऐसा situation आ जाता है कि जो C sharp उसको क्या करता है, set नहीं कर सकता, अपने normal instructions को जो है continue नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, एक exception raise कर देता और आपको बताता है कि भाई ये exception है, ये मसला है आपके program के अंदर। For example आपने एक array चलाया और आपने array लूप चलाया उस एरे के ऊपर और वो आपने लूप जो है एरे के लेंथ से ज्यादा चलाया तो एक एक्सेप्शन आ जाएगा। या फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज को डिवाइड बाय जीरो कर दिया तो डिवाइड बाय जीरो मैथ्स के अंदर इन्फिनिटी होता है तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि वो आप उस इन्फिनिटी को किसी तरह शो नहीं कर सकते तो क्या करता है, सी शार्प उसको कॉप नहीं कर सकता है, वो आपके लिए एक्सेप्शन को रेज करेगा, उसको आपने फिर हैंडल करना होता है। तो अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक्सेप्शन को सही तरह पढ़ा है तो इसका मतलब आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर आपने एक्सेप्शन को सही तरह नहीं पढ़ा, एक्सेप्शन हैंडलिंग सही तरह नहीं आती है तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन। तीसरा पॉइंट, एन एक्सेप्शन इज अ सी शार्प ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इसके अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है, हर चीज ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक्सेप्शन भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है एरर। तो ये याद रखना होगा कि एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, जो एक्सेप्शन होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। चौथा पॉइंट, वन सी शार्प कोड रेजेस एन एक्सेप्शन, इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली अदरवाइज इट टर्मिनेट एंड क्विट। तो सी शार्प के अंदर जब भी एक्सेप्शन रेज हो जाता है, जब भी कोई इवेंट कोई एरर की वजह से एक्सेप्शन रेज हो जाता है तो क्या होता है, वो एक्सेप्शन इमीडिएटली हैंडल हो जाता है। इमीडिएटली हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म लिखी भी गई है। अगर वो इमीडिएटली हैंडल नहीं होता है, अगर आपने इमीडिएटली उसको हैंडल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जिस पॉइंट पर ये इवेंट अकर हुआ है वहां तक प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और क्विट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इमीडिएटली एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। तो ये हो गया कि व्हाट इज एन एक्सेप्शन। अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर एक एक्सेप्शन को रेज करके देखते हैं कि हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्सेप्शन क्या चीज। एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे सी शार्प के अंदर। सी शार्प के अंदर मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया कंसोल एप्लीकेशन का, ताकि इसके अंदर हमें एक्सेप्शन क्या होती है उसके बारे में देखना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन रेज कैसे होती है, एक्सेप्शन आते किस टाइप की होती हैं। इसलिए विजुअल सी शार्प यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसका नाम मैंने चूज किया और यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये कंसोल एप्लीकेशन मेरे पास क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक्सेप्शन को रेज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, आपके लेफ्ट साइड पे जाके देखेंगे राइट साइड पे तो आपका पास ये एप्लीकेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर इस मेन के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, मैंने लिखा कंसोल, क्योंकि कंसोल के ऊपर हमने एप्लीकेशन बनाया तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, एक राइट लाइन कर देते हैं ताकि हमें नजर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन लिख दिया। अब एक्सेप्शन बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक में एक एक्सेप्शन है आपका डिवाइड बाई जीरो का एक्सेप्शन, तो डिवाइड बाई जीरो का एक्सेप्शन किस तरह आता है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंटीजर बना देता हूँ, एक इंटीजर बनाया उसके ऊपर मैंने कहा 10 डिवाइडेड बाई जीरो, तो होगा क्या, यहाँ पर आप कंसोल को रोक देता हूँ,
कंसोल को आपने रोकने के लिए क्या करना होता है, कंसोल डॉट रीड लाइन को कॉल कराना। एक इंटीजर बनाया मैंने, आंसर इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 0। अब देखें यहाँ पर एरर डायरेक्टली आ गया कि डिवीजन बाय कांस्टेंट 0, ये एरर इसी वक्त ही आ गया। तो ये कहलाता है कि आपके कंपाइलेशन टाइम पे भी आपके एक्सेप्शन को बता सकते। लेकिन कंपाइलेशन के ऊपर आपके एक्सेप्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटीजर ले लिया मैंने, एक इंटीजर ले लिया और मैंने कहा ये वेरिएबल 1, और दूसरा इंटीजर ले लिया मैंने और उसका नाम मैंने रखता वेरिएबल और उसके अंदर मैंने 0 रख दिया, और एक और इंटीजर बना देता हूँ जिसका नाम मैं आंसर रख देता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाई वेरिएबल 2। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये मुझे कंपाइलेशन टाइम पर एरर नहीं देगा, हालांकि ये भी वही सेम काम है 10 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है, लेकिन ये एरर नहीं देगा। ये एक्सेप्शन कब देगा, रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन ये आ गया। तो देखें यहाँ पर अभी ये देखें, तो यहाँ पर इस जगह पर ये एक्सेप्शन आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि एक्सेप्शन हैंडल आ रहा क्या सिस्टम डॉट डिवाइड बाई 0x। तो ये एक्सेप्शन आपके पास आते हैं और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में भी लिखा हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अटेम्प्ट्स टू डिवाइड बाई 0, क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस एक्सेप्शन के बाद मैं आफ्टर एक्सेप्शन कुछ शो करवाना चाहता हूँ, कोई स्टेटमेंट शो कराना चाहता हूँ। तो होगा क्या कि ये जब यहाँ पर एरर देगा तो इस स्टेटमेंट को ये शो नहीं कराएगा, क्योंकि जब वंस एरर आ जाता है तो उसके बाद वो स्टेटमेंट शो नहीं हो। ये इसको कहते हैं कि क्या हो जाता है, आपका जो कोड है वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है, वो आगे रन नहीं होता। ये एक मैंने एक्सेप्शन आपको रेज करके दिखाया कि एक्सेप्शन होता क्या, क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल किस तरह कर सकते हैं।